हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी वाले एकांश मिश्रा। तो गाइस, अब क्वेश्चन टू करते हैं। क्वेश्चन टू में कहता है कि हमें उन रेशनल नंबर का डेसिमल एक्सपेंशन निकालना है जिसको हमने क्वेश्चन वन में टर्मिनेटिंग प्रूव किया था। मतलब कि हमें उन नंबर्स को डिवाइड करना है। तो चलिए करते हैं। इसमें आता है पहला 13/3125 को हमें डिवाइड करना है, इसका डेसिमल एक्सपेंशन में लिखना है। तो इसको जब हम डिवाइड करेंगे तो बेसिकली आप इसको डिवाइड कर सकते हैं अपने आप से भी, पर मैंने इसको डिवाइड किया है। तो इसको जब डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा 0.00416 कि जब हम इसको डिवाइड करेंगे 13 को 3125 से तो आएगा 0.00416। हमें बस यही पूछा है कि उनको डिवाइड करके हमें उनका डेसिमल एक्सपेंशन लिखना है। तो हो गया। अब सेकंड में आता है 17/8 को अगर हम डिवाइड करेंगे तो आएगा, इसका आएगा आंसर 2.125। कैसे है जैसे देखते हैं, 17 को अगर हम 8 से डिवाइड करते हैं, 8 कितने टाइम्स आएगा, 2 16 आएगा, 1 रिमाइंडर बचेगा, तो इसमें पॉइंट लगाएंगे तो एक जीरो आ जाएगा। तो 8 1 8 यहाँ पर 2 आएगा, फिर तो अब यहाँ पे 0 आ जाएगा, इससे ये जाएगा 8 2 16 4 रिमाइंडर आएगा, फिर इसको फिर यहाँ पर 0 आ जाएगा, 8 5 40। तो यहाँ पर आएगा वही आया 2.125। गाइज, ये इसको हम डिवाइड कर सकते थे, आपको डिवाइड दिखा भी सकते थे, पर इसका जो डिवाइड करेंगे तो ये बहुत ही लंबा जाएगा, इसलिए हमने इसको डायरेक्ट ही आपको दिखा दिया। वैसे गाइज, ऐसे ये क्वेश्चन ऐसे क्वेश्चन एग्ज़ाम में नहीं पूछे जाते हैं। अब थर्ड को देखते हैं। थर्ड में कहता है 15/1600। जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, ये भी बहुत बड़ा जाएगा, इसलिए मैंने इसको डिवाइड किया है। इसको डिवाइड करने के बाद आएगा 0.009375। जब 15 को हम 1600 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 0.09375 ये आएगा। अब इसके अगले पार्ट को देखते हैं। जब अगले पार्ट में है कि 23/2 × 5² इसको हमें डिवाइड करके इसका डेसिमल एक्सपेंशन में लिखना है। तो कैसे लिखेंगे, तो इसको पहले पावर में इसको पहले तोड़ के लिखते हैं, तो आएगा 23/2 × 2 × 2 × 5 × 5। इसको ऐसे लिख लिए। अब इसको करेंगे 23/200। तो जब इसको डिवाइड करेंगे तो ये आएगा आंसर 0.115। जब 23 को हम 200 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 0.115। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट में कहता है 6/15 मतलब कि 6 को 15 से डिवाइड करेंगे, तो 6 को 15 से डिवाइड करेंगे तो इसको अगर हम डिवाइड करेंगे तो 6 को क्या लिख सकते हैं, 2 × 3, और 15 क्या लिख सकते हैं, 5 × 3। तो 3 से 3 कैंसिल कर देंगे, आएगा 2/5, तो ये आ जाएगा 0.4। गाइस, जिसको भी ऐसे डिवाइड करना नहीं आता तो प्लीज़ कमेंट कर दीजिएगा, मैं इसके लिए एक अलग सा वीडियो बना दूंगा जिसको डेसिमल में डिवाइड करना, डेसिमल के बाद कैसे करना है ये सब नहीं आता, तो मैं उसके लिए एक अलग सा वीडियो बना दूंगा। तो आप बता दीजिएगा मुझे जिसको भी नहीं आता। अब 35/50, अब इसको कैसे करेंगे, 35/50 इसको भी अगर जैसे अगर इसको हम शॉर्ट फॉर्म में लिख सकते हैं तो लिख लें, नहीं तो वैसे भी डिवाइड कर दें तो आएगा, इस अगर इसका हम शॉर्ट फॉर्म करेंगे तो ये आएगा 5 × 7, और ये आएगा 50 आएगा 5 × 10।
फाइव से फाइव कट गया तो ये आएगा 7/10, तो ये आएगा 0.7 जब हम इसको डिवाइड करेंगे, तो यही आएगा। इसमें हमें इस क्वेश्चन में हमें कहा था, जो हमने क्वेश्चन वन में टर्मिनेटिंग कहा टर्मिनेटिंग किया था उसको हमें इसमें डिवाइड करके उसका डेसिमल एक्सपेंशन हमें लिखना है। गाइस बेसिकली ऐसे क्वेश्चन नहीं आते एग्ज़ाम में कि आप पिछले क्वेश्चन को देख लें उससे आप एक इस क्वेश्चन को बताएं कैसे होगा। तो अब इसके थर्ड क्वेश्चन को करते हैं एक्सरसाइज के। गाइस क्वेश्चन थ्री देखते हैं। क्वेश्चन थ्री में कहता है द फॉलोइंग रियल नंबर्स हैव डेसिमल एक्सपेंशन एज गिवेन बिलो, कि हमें एक रियल नंबर दिया गया जिसका डेसिमल एक्सपेंशन उसका हमें नीचे दिया गया है, जैसे ये सब क्वेश्चन में दिया गया है इसका डेसिमल एक्सपेंशन। इन केस डिसाइड वेदर दे आर रेशनल, अगर पी बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं तो इसका जो क्यू होगा उसका प्राइम फैक्टर क्या होगा। तो पहले इसमें देखना है कौन सा रेशनल है कौन सा नहीं है। तो हमने देखा 43.12345678 9, मतलब 9 तक है, मतलब इसकी लिमिट है। तो इसकी लिमिट है तो मतलब कि हम लिख सकते हैं 43 को, 43 को यहाँ पर 9.9 नंबर है, तो हम यहाँ पर लिख देंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब यहाँ पर पॉइंट था तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, 9 नंबर है पॉइंट के बाद, तो यहाँ पर अपान में हम पॉइंट को हटाएंगे जब, तो यहाँ पर लिख देंगे 1 उतने जीरो लगा देंगे, मतलब कि 1 लिखने के बाद जितने पॉइंट के बाद नंबर होते हैं उतने जीरो लगा देंगे पॉइंट हटाने के बाद, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, मतलब कि हम इसको रेशनल नंबर में लिख सकते हैं। तो रेशनल नंबर में लिख सकते हैं, अब रेशनल नंबर में लिख सकते हैं, और ये क्या है टर्मिनेटिंग, ये टर्मिनेटिंग है क्योंकि इसको जब डिवाइड करेंगे तो एक किसी नंबर तक जाने के बाद यह कंप्लीटली डिवाइड हो जाता है, मतलब कि ये टर्मिनेटिंग है। और जो टर्मिनेटिंग होता है उसका जो डिनोमिनेटर होता है उसका जो प्राइम फैक्टर होता है क्या होगा, इसमें जो होंगे पी बाई क्यू, तो इसमें क्यू के जो प्राइम फैक्टर होंगे वह ये तो 2 होंगे ये तो 5 होंगे या 2 एंड 5 बोथ होंगे। तो आप ये आप लिख लीजिएगा द प्राइम फैक्टर ऑफ क्यू का आएगा 2 5, 2.5। अब हम सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकेंड क्वेश्चन में दिया गया है 0.12012001200.... मतलब कि इन्फिनिटी तक जा रहे हैं, इन्फिनिटी तक जा रहे हैं, तो क्या हम इसको ऐसे लिखेंगे 0.12012001200.... 1000.... ऐसे लिखेंगे नहीं, क्योंकि इन्फिनिटी तक जा रहे हैं, कहाँ पर जाएंगे कहाँ पर ख़त्म होंगे हमें नहीं पता है इसमें, इसलिए हम इसको ऐसे नहीं लिख सकते। तो ऐसे नहीं लिख सकते मतलब कि पी बाई क्यू के फॉर्म में हम इसे नहीं लिख सकते क्योंकि इन्फिनिटी तक जा रहे हैं, डॉट डॉट दिखा रहे हैं कि मतलब कि हम इसको कैसे लिखेंगे ये हम नहीं लिख सकते, इसलिए ये जो होंगी इट इज़ नॉट अ रेशनल नंबर, रेशनल नंबर नहीं होंगे, ये रेशनल नंबर नहीं होगा। तो रेशनल नंबर नहीं है तो हमें इसमें क्यों का प्राइम फैक्टर नहीं निकालेंगे हम इसमें। अब हम थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन कहता है कि 43.12345678 का बार, बार का मतलब होता है कि ये नंबर्स बार बार रिपीट होंगे, तो ये क्या इरेशनल है, हाँ इरेशनल है, जैसे कि हमने क्लास 9th में पढ़ा था कि कैसे जो बार वाले नंबर होते हैं उनको हम कैसे रेशनल में करते हैं, तो इसलिए यह इरेशनल होगा, जैसे इट इज़ अ रेशनल, यह रेशनल होगा। हमें बेसिकली पूछा नहीं है कि इसको प्रूव करें कि यह रेशनल है कि नहीं है, बस पूछा है कि रेशनल है कि नहीं, इट इज़ अ रेशनल। तो इसका जो पी बाई क्यू होंगे, इसके जो पी बाई क्यू मतलब क्यू का जो प्राइम फैक्टर होगा, प्राइम फैक्टर ऑफ क्यू, इसमें होगा या तो 2 होंगे या तो 5 होंगे या तो बोथ होंगे, 2 एंड 5 बोथ, और
इसके अलावा भी कुछ नंबर्स इसके प्राइम फैक्टर होंगे। तो हमने जैसे आपको बताया था रेशनल जो होते हैं उनके प्राइम फैक्टर 2 और 5 के अलावा भी हो सकते हैं। जैसे आप हमने क्वेश्चन 1 में किया था कि जो टर्मिनेटिंग है थे उनका प्राइम फैक्टर 2 और 5 के अलावा भी था, इसलिए रेशनल है। अब गाइज इस एक ऐसे होगा, एक ऐसे रेशनल है। अब देखिए जैसे हम क्लास 9th में लेते थे, जैसे हमने कोई नंबर लिया 0.3.3 लिए, 3 का बार मतलब 3.33333 to infinity होगा। तो हमने क्या किया, लेट x इज इक्वल टू 3.3 हमने लिया। ये सब हम क्लास 9 में पढ़ चुके हैं, बेसिकली इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। बट मैं आपको इसमें से कितने लोग होंगे जिनको पता नहीं होगा कैसे इसको लिख सकते हैं। तो अब हम क्या करेंगे, इस यहाँ पर पॉइंट के बाद कितने नंबर हैं, एक नंबर है, वैसे तो बहुत नंबर है पर बार कितने नंबर के ऊपर लगा है, एक नंबर। इसलिए यहाँ पर मतलब कि 10 से मल्टीप्लाई कर दें ताकि ये पॉइंट पॉइंट के बाद एक नंबर जो है यहाँ पॉइंट की इस तरफ आ जाए। तो हम मल्टीप्लाई बाई 10 करेंगे तो यहाँ पर आएगा 10x। तो आएगा, इसको इक्वेशन वन लेते हैं, यहाँ पर आएगा 33.3 का बार आएगा। अब हम इक्वेशन इसको 2 लेते हैं, इक्वेशन 2 में हम इक्वेशन 1 को सब्ट्रैक्ट कर दें तो आएगा 10x, में अगर x हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आएगा 9x। अब इज इक्वल टू 33.3 का बार माइनस 3 × 3 का बार। अब यहाँ से 3 बार 3 बार कैंसिल हो जाएगा, कैसे कि 3 × 33.3333 to infinity, वैसे जाएगा 3.33 to infinity। जैसे अगर कोई नंबर होता है, जैसे अगर 4.3 होगा और माइनस 1.3 कर दें तो 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर आएगा 4.3.0। तो वैसे ही इसमें भी होगा, ये 0 हो जाएगा। तो आएगा ये 33 में से 3 जाएगा तो आएगा 30 इज इक्वल टू 9x, एक्स की वैल्यू आएगी 30/9। तो इसको जब हम करेंगे तो ये जाएगा 3 10 जा 3 9 3 जा, तो 10/3 मतलब इसको रेशनल नंबर में लिख सकते हैं। अगर यहाँ पर पॉइंट के बाद जितने भी डिजिट रहें, अगर 2 डिजिट है तो हम यहाँ पर 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, अगर 3 डिजिट है तो 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो ऐसे ही होंगे, बेसिकली इसका कोई यूज़ नहीं है। बट कितने भी बच्चे होंगे जिनको ये भी ऐसे नहीं पता होगा कि बाहर को भी हम रेशनल में लिख सकते हैं, तो वही है, इसको हम 9 में पढ़ चुके थे। तो बस गाइज आज की वीडियो में बस इतना ही। अब आगे की कुछ आगे की एक्सरसाइज को हम नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। गाइज अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए और कमेंट भी कर दीजिए, ताकि मुझे पता लगे कि मेरे वीडियोस आपको अच्छे लगें, अच्छी लग रही हैं कि नहीं। सो गाइज थैंक यू।